मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य का प्रारंभिक काल, जो रोमन साम्राज्य था उसका शुरुआती जो काल था या शासक थे वो किस किस तरह से रहे और किस किस ने कितने अच्छे और क्या क्या कार्य किए, कदम उठाए। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट ऑगस्टस था जो 27 ईसा पूर्व में शासक था। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है, जीरो से 27 वर्ष पहले, ठीक है। तो ईसा के जन्म से भी 27 वर्ष पहले जो है वो ऑगस्टस जो है वो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट बना था, पहला शासक बना था। तब से लेकर आगे दो शताब्दियों की अवधि रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल अथवा पूर्ववर्ती साम्राज्य कहलाता है। यानी कि पूर्ववर्ती साम्राज्य किसको बोला जाता है? लगभग दो शताब्दियों तक का जो समय था उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता है। इन दो शताब्दियों में केवल एक वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर कोई ग्रह युद्ध सिविल वार नहीं हुआ। ग्रह युद्ध क्या होता है? आपसी टकराव, ठीक है, लोगों का आपसी झगड़े, वो जो है ग्रह युद्ध कहलाता है। इस एक वर्ष में सत्ता संघर्ष अवश्य गंभीर रहा। इसमें एक के बाद एक चार शासक गद्दी पर बैठे, यानी एक साल के अंदर कितने शासक चेंज हुए थे? चार शासक। स्पष्ट है कि साम्राज्य की पूर्ववर्ती अवधि अपेक्षाकृत शांति की अवधि रही, ठीक है। पूर्ववर्ती अवधि क्या है? मतलब उससे पहले की जो अवधि थी वो क्या रही? शांतिपूर्वक रही, ठीक है, जो बाकी के सालों को छोड़ गए। विशेषतः ऑगस्टस का समय को शांति एवं समृद्धि के लिए याद किया जाता है। ऑगस्टस जो सम्राट बना था उसका जो समय है वो शांति और समृद्धि, यानी कि शांति भी रही और उस समय में क्या हुआ? समृद्धि भी आई, यानी कि जो समाज की जो दशा थी वो उधर गई। इससे पूर्व की रोमन साम्राज्य के आरंभ काल पर कुछ विस्तार से चर्चा करें, यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी काफी संकटपूर्ण रही थी, ठीक है। दो शताब्दी सही रही, तीसरी शताब्दी जो संकटपूर्ण रही थी। चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दियों को पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, यानी कि बाद वाला, ठीक है, ठीक है, पूर्ववर्ती जो पहले वाला ऑगस्टस के समय था और उसके बाद जो पूर्ववर्ती कौन सा था? चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच में। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पहला सम्राट जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व के उपरांत छिड़े ग्रह युद्ध में सफलता प्राप्त करके उसका भतीजा ऑक्टेवियस, जिसको हम अगस्टस बोलते हैं, 27 ईसा पूर्व में शासक बन गया, ठीक है। उसने अपना नाम जो है ऑक्टेवियस से बदलकर क्या रख लिया? ऑगस्टस सीजर रख लिया था और इम्परेटर की उपाधि खुद ही उपाधि ले ली थी। ऑगस्टस का पवित्र होता है जबकि इम्परेटर लैटिन भाषा में विजय सेनापति, यानी कि पवित्र विजय सेनापति, इसका अर्थ होता है ऑगस्टस सीजर का। उल्लेखनीय है कि वह सर्वशक्ति संपन्न शासक था, लेकिन स्वयं को सम्राट नहीं कहा बल्कि राज्य का प्रथम नागरिक लीडिंग सिटीजन घोषित किया, यानी खुद को सम्राट नहीं मानता था, राज्य का जो पहला नागरिक मानता था। वह रोमवासियों में अपनी छवि निरंकुश शासक की नहीं अपितु उदार प्रशासक की बनाना चाहता था, यानी कि किसी के ऊपर जबरदस्ती शासक ऐसी छवि नहीं चाहता था वो, जबकि उदारवादी यानी कि सभी के लिए अच्छा नेता या अच्छा राजा बनना चाहता था। वह यह भी दिखाना चाहता था कि रोम में चली आ रही गणतंत्रीय व्यवस्था से वह अधिक दूर नहीं है। गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? जिसे लोग होते हैं उन्हीं का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र की तरफ जो है उस व्यवस्था को लेके आना चाहता था जो शासक प्रथा थी उसकी बजाय,
लैटिन भाषा में प्रथम नागरिक को प्रिंसिप कहा जाता है। ठीक है, लैटिन भाषा में प्रथम नागरिक को प्रिंसिप कहा जाता है, इसलिए अगस्तक में उसके उत्तराधिकारियों ने युद्ध को प्रिंसिपेट युद्ध का नाम दिया, क्योंकि सभी क्या मानते थे, अपने आपको प्रथम नागरिक मानते थे राज्य को। ऑगस्टस के काल को रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसने काफी अच्छे अच्छे काम जो है वो किए थे लोगों की भलाई के लिए और अपने आप को ही शासक मानता भी नहीं था। उसने इस साम्राज्य के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए। उसने अपने विजयी अभियानों के द्वारा इतना विस्तृत साम्राज्य कायम कर दिया था कि आगामी 2 सदी तक उसके उत्तराधिकारियों को साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियानों की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके अधिकार। ठीक है, इतिहास के लिए।